रहीम। तो आज हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन नंबर 29, टाइम। द एंगल ऑफ एन हेवनली बॉडी चेंजेस फ्रॉम 0 to 360 degrees और 0 hour to 24 hours ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। दिस फॉर्म द बेसिस फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम। आपको याद होगा आवर एंगल की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। तो आवर एंगल को हमने डिफाइन किया था कि मैं ज़रा रिकॉल करा देता हूँ आपको। सपोज़ ये मेरा सेलेशियल स्फीयर है और ये है मेरा होराइज़न और ये है हमारा इक्वेटर, सेलेशियल इक्वेटर। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है वो है ज़ेनिथ और ये इस अर्थ का है पोल। सपोज़ कीजिए कि ये है कोई स्टार, स्टार एक्स, और आपने अगर इसका आवर एंगल फाइंड आउट करना है तो आवर एंगल, सपोज़ कीजिए कि ये स्टार का ऑब्ज़र्वर मेरिडियन है, तो ऑब्ज़र्वर मेरिडियन और इस पोल के दरमियान जो एंगल है इसे हम कहते हैं आवर एंगल। तो आप पीछे आवर एंगल की डेफिनेशन है उसको देख लीजिएगा। तो हर स्टार जो है वो आपको इसी डायरनल मोशन में रोटेट होता हुआ दिखाई देता है। तो एक स्टार जो 24 आवर्स में जो जो चक्कर कंप्लीट करता है उसे हम कहते हैं वन डे। तो इसमें ये 0 to 24 hours तक जो है वो कोई भी हेवनली बॉडी जो है वो किसी डायरनल मोशन में आपको मूव करते हुए दिखाई देती है। द एंगल ऑफ एन हेवनली बॉडी चेंजेस फ्राम 0 to 360 degrees और 0 hour to 24 hours। तो ये जो x है ये 0 to 24 hours में एक डायरनल पाथ के अंदर अपना एक चक्कर कंप्लीट करता है, अपनी एक रोटेशन मुकम्मल करता है। तो इसी को हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक दिन है या 0 to 24 hours है, यानी इसी को हम टाइम कहते हैं। फिर से देख लेते हैं। द एंगल ऑफ एन हेवनली बॉडी चेंजेस फ्राम 0 to 360 degrees और 0 hour to 24 hours ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। दिस इज़ फॉर्म द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो एक्चुअली ये जो आवर एंगल था इसको हम मेजरमेंट भी टाइम में करते हैं। तो ये हमारे पास जो आवर एंगल है ये टाइम ही कहलाता है जी। कुछ एब्रीवेशंस हैं टाइम के लिए जो नॉर्मली यूज़ की जाती हैं, इनको आप यहाँ से देख लीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल GMT, इसे हम कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। तो टेरेस्ट्रियल स्फीयर जब हम डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर हमने लॉन्गिट्यूड को डिफ़ाइन करते हैं कि एक मेरिडियन है जो ग्रीनविच से पास होता है, तो वहाँ से जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। तो ग्रीनविच हमने वहाँ पर डिस्कस किया था, तो ग्रीनविच पर जो टाइम है उसे हम कहते हैं GMT। इसी तरीके से GMM एब्रीवेशन हम यूज़ करते हैं ग्रीनविच मीन मिडनाइट के लिए। सिमिलरली ये जो है हमारे पास LMM, इसे हम कहते हैं लोकल मीन मिडनाइट, या LAN लोकल अपेरेंट नून। तो टाइम के लिए हम ये डिफरेंट एब्रीवेशंस को यूज़ करते हैं, तो इनको आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं, इंटरनेट से मज़ीद देख सकते हैं जी। इसके बाद मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, यूनिट्स ऑफ टाइम। देर आर फॉलोइंग सिस्टम आर यूज्ड टू मेजर द टाइम। टाइम की ये 6 किस्में हैं जिनको बहुत डिटेल से मैं आपको बताता हूँ। जो फर्स्ट टाइम है उसे हम कहते हैं लोकल सिड्रल टाइम, सेकेंड अपेरेंट सोलर टाइम, थर्ड मीन सोलर टाइम, फोर सिविल टाइम, जोनल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में यहाँ बताते जाऊँ। एक्चुअली लोकल सिड्रल टाइम जो है वो किसी फिक्स स्टार से जो डिस्टेंस होता है, या किसी फिक्स स्टार, जैसे हमने एक वर्नल इक्विनॉक्स देखा था या हमने इसे फिक्स पॉइंट ऑफ एरियज गैमा कहा था, तो उस फिक्स पॉइंट से जो किसी स्टार का जो डिस्टेंस है एक उसे हम कहते हैं लोकल सिड्रल टाइम। यानी अगर एक्स की हम पोजिशन है और हम देखेंगे कि वो किसी गैमा से कितना दूर है, तो आप ये कह लें कि जो स्टार्स के लिए जो आप टाइम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं लोकल सिड्रल टाइम। इसी तरीके से एक अपेरेंट सोलर टाइम है, ये भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि सन जो है वो एक्चुअली एलिप्टिक पाथ पर मूव कर रहा होता है, तो उस पाथ, उस रोटेशन की वजह से जो टाइम आता है उसे हम कहते हैं अपेरेंट सोलर टाइम। फिर हमें मीन सोलर टाइम को डिस्कस करेंगे, क्योंकि सन जो है वो बेसिकली एक एलिप्टिक पाथ मूव करता है और उसकी मोशन जो होती है एलिप्टिक पाथ में यूनिफॉर्म नहीं होती,
तो चूंकि अगर मोशन, अगर हम डेली टाइम की हम बात करें जो हमारे क्लॉक में होता है, तो वो अपेरेंट सोलर टाइम नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंस आता है, वो 0 to 24 आवर्स नहीं होता। तो इसीलिए हम एक मीन सन डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं मीन सोलर टाइम, जो हम सपोज़ करते हैं कि वो एक इलिप्टिक पाथ पर यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है। सिमिलरली जो हम टाइम यूज़ करते हैं वो सिविल टाइम, जोनल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम होता है। इस तरह की टर्म्स को आपने सुना होगा। तो इन 6 टाइम्स को हम डिटेल से डिफाइन करते हैं जी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिड्रल टाइम। सिड्रल टाइम, द आवर एंगल ऑफ गैमा, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज और वर्नल इक्विनॉक्स इज कॉल्ड लोकल सिड्रल टाइम, और डायरोनल मोशन ऑफ अ फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज इज कॉल्ड सिड्रल टाइम। आपको याद होगा ये गैमा मैंने डिफाइन किया था, ज़रा रिव्यू मैं आपको कर देता हूँ यहाँ पर। सपोज़ कीजिए कि ये सेलेशियल स्फीयर है और ये है मेरे पास होराइज़न, और सपोज़ ये है मेरे पास इक्वेटर, और सपोज़ कीजिए कि ये वो पाथ है कि जिस पाथ पर सन मूव करते हैं, इसे हम कहते हैं एलिप्टिक। तो जिस पॉइंट पर एलिप्टिक और सेलेशियल इक्वेटर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हमने कहा था गैमा, इसे हम कहते हैं वर्नल इक्विनॉक्स। तो ये जो वर्नल इक्विनॉक्स है, ये वर्नल इक्विनॉक्स अलॉन्ग इक्वेटर जो अपनी डायरनल मोशन को कंप्लीट करता है, इसे हम कहते हैं सिड्रियल टाइम। तो ये गैमा की जो रोटेशन है, इसे हम कहते हैं सिड्रियल टाइम। तो यही बताया गया है कि आवर एंगल ऑफ गैमा, दिस इज कहते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज, वर्नल इक्विनॉक्स इज कॉल्ड लोकल सिड्रियल टाइम कहलाता है ये। तो आप ये देखिए, ये है गैमा, ये गैमा मैंने यहाँ पर सेलेशियल इक्वेटर डिफाइन कर दिया है, और मैंने यहाँ पर, सॉरी, मैंने यहाँ पर जो है वो होराइज़न और सेलेशियल इक्वेटर मैंने बनाया है। मैंने यहाँ पर जो है वो एलिप्टिक फॉर्म नहीं किया है, तो इसलिए कन्फ्यूज़ होने की बात नहीं है। गैमा को आप पहले चेक कर सकते हैं। तो ये जो गैमा की जो मूवमेंट है, तो गैमा की जो मूवमेंट है, इसे हम कहते हैं लोकल सिड्रियल टाइम। यानी अगर टाइम किसी स्टार के रेफरेंस से निकाला जाएगा तो वो कहलाता है लोकल सिड्रियल टाइम। अच्छा जी, सिड्रियल डे किसे कहते हैं? द इंटरवल ऑफ अ टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव अपर ट्रांजिट ऑफ अ फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज इज कॉल्ड वन सिड्रियल डे। तो जो इसकी, फॉर एग्जांपल, आर से आर पर, अगर सपोज़ कीजिए ये जो गैमा है ये आर पर है, तो अब ये अगेन एक पूरे राउंड के बाद, एक पूरे चक्कर के बाद ये वापस आर पर जो पहुंचता है, इसे हम कहते हैं वन सिड्रियल डे। दो बातें इसमें नोट करने वाली है, व्हेन गैमा इज़ एट आर यानी ऑब्जर्वर मेरिडियन पर, देन इज़ आवर एंगल ज़ीरो। अब ये बात बहुत कॉमन है कि ये है गैमा का आवर एंगल, इसे हम कहते हैं आवर एंगल ऑफ गैमा, दिस इज़ आवर एंगल ऑफ गैमा। और अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो गैमा है ये आर पर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस ऑब्जर्वर मेरिडियन के साथ इसका एंगल ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। तो हमें एक बात पता लगी, इसका आवर एंगल 0 डिग्री होता है अगर ये ऑब्जर्वर मेरिडियन पर हो, और इस पोजीशन को हम कहते हैं लोकल सिड्रियल नून, यानी हम इसे, इस पोजीशन को कहते हैं लोकल सिड्रियल नून। ये हमारे पास नून है, जैसे हमारे पास नून हम करते हैं, जो नून का वर्ड हम यूज़ करते हैं बिल्कुल बिल्कुल मिड में, जो डे के जो मिड वाला पॉइंट होता है, तो बिल्कुल इसी तरीके से हम कहते हैं लोकल सिड्रियल नून। और सेकंड रिजल्ट है कि जो सिड्रियल टाइम है इस मोस्ट यूज़फुल फॉर स्टार्स, यानी स्टार्स के लिए अगर हम टाइम की बात करते हैं तो फिर हम सिड्रियल टाइम को देखते हैं। हम उसके लिए फिर, हम चाहें तो हम इनके आपस में कन्वर्जन कर सकते हैं, हम इसका लोकल टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली स्टार के मूवमेंट के लिए हम सिड्रियल टाइम को नोट करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि एक्स कोई स्टार है, तो इस स्टार का जो सिड्रियल टाइम होगा वो इस गैमा के रेफरेंस से होगा, तो गैमा के रेफरेंस से जो भी टाइम निकाला जाएगा वो सिड्रियल टाइम कहलाता है। सिड्रियल टाइम को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम इसका एक फार्मूला बनाते हैं, फार्मूला निकाल सकते हैं। गैमा इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन स्पेस, दैट्स वाई सिड्रियल टाइम कैन नॉट मेजर डायरेक्टली। ये बात हमें पता है कि गैमा बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सेलेशियल इक्वेटर और एलिप्टिक का, चूँकि ये पॉइंट जो है वो स्पेस के ऊपर एक इमेजनरी पॉइंट है, तो उसको हम डायरेक्टली तो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो अगर मुझे किसी हेवनली बॉडी एक्स का सिड्रियल टाइम मालूम करना है, तो ये सिड्रियल टाइम जो है, ये सिड्रियल टाइम, फॉर एग्जांपल एक्स एक हेवनली बॉडी है, इसका अगर मुझे सिड्रियल टाइम निकालना है, तो मैंने इस पोल से एक मेरिडियन इसको ड्रॉ कर लिया जिसने इसको इक्वेटर को, इक्वेटर पर एक्स डैश पर कट किया। तो अगर मुझे इस एक्स का सिड्रियल टाइम निकालना है, यानी
यानी मुझे एक्स का सेंट्रल टाइम मालूम करना है, तो मुझे इस आवर एंगल ऑफ गैमा होगा बेसिकली। लेट एक्स बी इन हेवनली बॉडी, मेरिडियन थ्रू एक्स इंटरसेक्ट एट इक्वेटर एट। तो सिड्रियल टाइम जो है वो बराबर होगा आवर एंगल ऑफ गैमा। तो बेसिकली सिड्रियल टाइम जो होता है वो होता है आवर एंगल ऑफ गैमा। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि ये जो आवर एंगल ऑफ गैमा है ये बेसिकली आर एन एक्स डैश प्लस एक्स एन गैमा, आर एन एक्स डैश, आर एन एक्स डैश, एन एक्स डैश ऑफ गैमा, तो ये कहलाता है आवर एंगल ऑफ गैमा। और इसी आवर एंगल ऑफ गैमा को हम कहते हैं सिड्रियल टाइम। तो ये जो सिड्रियल टाइम है, मैं एक्स के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं गैमा का सिड्रियल टाइम बता रहा हूँ। और मैंने सपोज़ कर लिया कि एक्स मेरे पास कोई फिक्स पॉइंट है, तो ये जो ये हमें पहले से पता है कि ये जो आर और एक्स डैश है, यानी आर एंड एक्स डैश, ये बेसिकली इस एक्स का आवर एंगल होगा। तो इसे हम कहते हैं आवर एंगल ऑफ एक्स, क्योंकि ये इस एक्स के लिए ऑब्जर्वर मेरिडियन है और ये इनके दरमियान एंगल है, तो आवर एंगल ऑफ एक्स। और इसी तरीके से ये एक्स और गैमा इनके दरमियान जो एंगल मैं फॉर्म करके दिखाता हूँ आपको, ये जो एंगल है आपके पास, ये जो दरमियान में मैंने एंगल बनाया है, इस एंगल को आप कहते हैं राइट एसेंशन ऑफ एक्स। क्योंकि आप पीछे राइट एसेंशन की डेफिनेशन को गो थ्रू कर लीजिएगा, तो राइट एसेंशन के मुताबिक आपको पता लगेगा कि ये जो है वो एंगुलर डिस्टेंस है किसी स्टार का गैमा से, किसी फिक्स पॉइंट से, तो ये राइट एसेंशन। तो इसका मतलब है कि आवर एंगल को हम एच से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम राइट एसेंशन को अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमें सिड्रियल टाइम निकालना है किसी भी स्टार एक्स का, तो मुझे उस स्टार का आवर एंगल लिखना होगा और उस स्टार का राइट एसेंशन। तो अगर राइट एसेंशन और आवर एंगल मिल जाए तो मुझे उसका सिड्रियल टाइम पता लग सकता है। चलें कुछ और आगे चलते हैं। जी जनाब, अल्फा इज़ अ फिक्स स्टार और हेवनली बॉडी एट अपर ट्रांजिट, एच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, देन सिड्रियल टाइम अल्फा जो है वो सिड्रियल टाइम ऑफ अल्फा राइट एसेंशन के बराबर हो जाएगा। यानी सिड्रियल टाइम जो होता है वो राइट एसेंशन के इक्वल होता है। तो अपर ट्रांजिट के ऊपर जब आवर एंगल आपका ज़ीरो होगा, तो जो भी सिड्रियल टाइम होगा बेसिकली वही राइट एसेंशन होगा। बहुत सिंपल सी बात है, इसको ज़रा रिकॉल कर लेते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि यानी ये है आपका सपोज अपर ट्रांजिट। तो अपर ट्रांजिट के ऊपर इसके अगर मैं कहूँ कि एक्स जो है, एक्स एक्स यानी एक्स जो है वो, यानी एक्स डैश जो है वो अगर आर के ऊपर है, तो उसका आवर एंगल ज़ीरो के इक्वल होगा। लेकिन आवर एंगल तो ज़ीरो हो जाएगा, बट इसका जो सिड्रियल टाइम है सारा, वो सारा का सारा राइट एसेंशन बन जाएगा इस स्टार एक्स का। तो यहाँ पर यही बात को डिटेल से बताया गया है। जी, अल्फा इज़ अ फिक्स स्टार और हेवनली बॉडी एट अपर ट्रांजिट, एच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, देन सिड्रियल टाइम अल्फा ऑफ राइट एसेंशन इक्वल हो जाएगा राइट एसेंशन, यानी राइट एसेंशन अल्फा के इक्वल हो जाएगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, मैंने एग्जांपल्स दी हैं इसके अंदर के जो साइरस है उसका सिड्रियल टाइम होता है 6 आवर एंड 45 मिनट्स। आप थोड़े से और चीज़ों को गो थ्रू कर सकते हैं इंटरनेट से, तो आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा, चूँकि ये मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो साइरस का जो सिड्रियल टाइम है, यानी किसी फिक्स स्टार अल्फा से जो इसकी डायरनल मोशन है, वो 6 आवर 45 मिनट्स का है। तो इस तरह वेगा फिर एंटेरस इसका मैंने बताया है। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ अ सिड्रियल टाइम एट ग्रीनविच। ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि मैं ग्रीनविच के ऊपर किसी स्टार का सिड्रियल टाइम डिटर्मिन करना चाहता हूँ। तो ज़रा इस डायग्राम पर गौर कीजिएगा। जी, सपोज़ कीजिए कि लेट सी इज़ द अर्थ एंड सेलेशियल स्फेयर एट सेंटर। ये फॉर एग्जांपल टेरेस्ट्रियल स्फेयर है और ये है अर्थ का सेंटर, और ये है आपके पास सेलेशियल स्फेयर, और सी जो है वो टेरेस्ट्रियल स्फेयर और सेलेशियल स्फेयर दोनों का सेंटर है। जी इज़ द पोजिशन ऑफ अ ग्रीनविच ऑन अर्थ, ये पोजिशन है ग्रीनविच ऑन अर्थ, और ये है अर्थ का पोल, और ये है मेरिडियन जो ग्रीनविच से पास हो रहा है। सपोज़ कीजिए कि एल जो है, एल इज़ एनी अदर प्लेस ऑन अर्थ, ये वो लोकेशन है जहाँ पर आप मौजूद हैं,
और यह आ गया इसका एक और मेरिडियन। ये मेरिडियन, अच्छा ये एक बात हमें पता लगी कि ग्रीनविच से जो किसी लोकेशन का जो एंगुलर डिस्टेंस है उसे हम उसका लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं, तो एल का ये लॉन्गिट्यूड भी कहलाता है। फिर इसके बाद आपने, यानी लॉन्गिट्यूड जो है वो ये एंगल है, एंगल एल सी एन जी, यानी ये जो एंगल है इस एंगल को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड ऑफ एल। अच्छा जी, फिर हमने ये किया कि प्रोड्यूस किया सी जी टू मीट सेलेशियल स्फीयर एंड जी, एंड प्रोड्यूस सी एल टू मीट सेलेशियल स्फीयर एंड सी, और जी को प्रोड्यूस किया हमने फर्दर, तो उसने सेलेशियल स्फीयर को कहीं जी पर आकर कट किया, सी और एल को कहीं कट किया, उसने एल पर आकर कट किया। और ये बात हमें पता है कि अगर आप किसी लोकेशन पर हैं और डायरेक्टली ओवरहेड आप देखते हैं जो सेलेशियल स्फीयर पर जो पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं जेनिथ, तो इसका मतलब है कि इस जी का जो जेनिथ है वो कैपिटल जी है, और एल का जो जेनिथ डिस्टेंस, जो जेनिथ है वो है इस कैपिटल एल। तो जी इज़ द जेनिथ ऑफ ग्रीनविच, यानी ग्रीनविच का जेनिथ है, और एल इज़ द जेनिथ ऑफ एल। ठीक है, होप ये आपको कंस्ट्रक्शन समझ आ गई होगी। लेट एक्स इज़ द पोजिशन ऑफ एन हेवनली बॉडी ऑन सेलेशियल स्फीयर, ये कोई हेवनली बॉडी है सेलेशियल स्फीयर के ऊपर। तो और जी पी एक्स इज़ कॉल्ड एन आवर एंगल ऑफ एक्स फॉर एन ऑब्जर्वर एट ग्रीनविच, तो कोई ऑब्जर्वर जो है वो ग्रीनविच पर है, तो ये इसका ऑब्जर्वर मेरिडियन है, तो ये ऑब्जर्वर मेरिडियन से ये जो फासला होता है उसे हम कहते हैं आवर एंगल ऑफ एक्स, और ये जो गैमा है ये कोई फिक्स पॉइंट है। तो मुझे मालूम करना है सिड्रियल टाइम एट ग्रीनविच, यानी इस एक स्टार एक्स का इस गैमा फिक्स पॉइंट के रेफरेंस से सिड्रियल टाइम निकालना है एट ग्रीनविच पर। एल पी एक्स इज कॉल्ड आवर एंगल ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑन मेरिडियन एल, तो एल पी एंड एक्स, एल देन पी एंड एक्स, एल पी एंड एक्स जो है वो आवर एंगल कहलाता है ये इस ऑब्जर्वर का, क्योंकि ये जो बंदा खड़ा है ये इसके लिए ऑब्जर्वर मेरिडियन है, यानी स्काई का वो पोर्शन है जहाँ तक ये ऑब्जर्व कर सकता है। इसी तरीके से अगर कोई बंदा ग्रीनविच पर है तो ये इसका ऑब्जर्वर मेरिडियन है। तो जी यानी ग्रीनविच से अगर एक्स स्टार है तो ये इसका आवर एंगल कहलाएगा। इसी तरीके से एक्स का जो है वो, ये भी चूँकि एक ऑब्जर्वर मेरिडियन है इसलिए ये भी एक एंगल कहलाता है, और ये एंगल होगा एल का। तो एल पी एक्स इज़ कॉल्ड द आवर एंगल फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन मेरिडियन एल। अब ज़रा देखिए कि हम कैसे सिड्रियल टाइम कैलकुलेट करते हैं एन ग्रीनविच पे। ज़रा ये चेक करते हैं कि ये जो जी पी एक्स है ये किसके इक्वल है, जी पी एंड एक्स। ऑब्वियस है कि ये जी पी एक्स बेसिकली दो चीज़ों का एडिशन है, एक एडिशन है आपके पास एल पी एंड एक्स प्लस जी पी एंड एल, तो इन दोनों एंगल्स को अगर ऐड कर दिया जाए तो जी पी एक्स मिल जाएगा। और ये भी हमें पता है कि ये जो जी पी और एल, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम है, तो इसका मतलब है कि स्मॉल जी पी एन बराबर है, तो इसकी जगह इसको रिप्लेस किया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि आवर एंगल ऑफ एक्स एट ग्रीनविच जो है वो इक्वल होता है आवर एंगल ऑफ एक्स एट ग्रीनविच। अगर ये एक्स है इसका आवर एंगल देखना है ग्रीनविच से, तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस के, तो इसे हम कहते हैं आवर एंगल ऑफ एक्स एट एल प्लस जी पी एल, ये फासला। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर मुझे एक्स का जो है वो जी के रेफरेंस से अगर आवर एंगल निकालना है तो वो क्या होगा, वो बेसिकली इस एंगल का सम होगा, इसे हम कहते हैं आवर एंगल ऑफ एल, और आवर एंगल ऑफ एक्स एट एल, और ये है जी पी एल। और जी पी एल हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, बेसिकली ये जो जी पी एल है ये तो कहलाता है लॉन्गिट्यूड, तो इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड ऑफ एल। तो फाइनली एक फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह फॉर्म हो गया कि आवर एंगल ऑफ एक्स एट ग्रीनविच इज इक्वल टू आवर एंगल ऑफ एक्स एट एल प्लस लॉन्गिट्यूड ऑफ एल। दिस इज़ द जनरल फार्मूला फॉर ऑल एक्स। तो अगर कोई भी हेवनली बॉडी है और उसका आपने ग्रीनविच के ऊपर जो है वो आवर एंगल डिटरमिन करना है तो वो इस फार्मूले से डिटरमिन किया सकता है। तो आवर एंगल ऑफ एक्स एट ग्रीनविच बराबर होता है आवर एंगल ऑफ एक्स एट एल, यानी आप जिस लोकेशन पर खड़े हुए हैं उस लोकेशन पर उस स्टार का आवर एंगल कितना है और लॉन्गिट्यूड ऑफ एल क्या है, यानी आपको उसका लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए। सिड्रियल टाइम इज़ द आवर एंगल ऑफ गैमा, यानी वर्नल इक्विनॉक्स।
ये बात हम पहले बता चुके हैं कि सिडरल टाइम जो होता है वो बेसिकली आवर एंगल होता है गैमा यानी वर्नल इक्विनॉक्स का। तो आवर एंगल ऑफ गैमा एट ग्रीनविच किसके इक्वल होगा, आवर एंगल ऑफ गैमा एट एल प्लस लॉन्गिट्यूड ऑफ एल। तो हम ये कह सकते हैं कि सिडरियल टाइम एट ग्रीनविच इक्वल होगा सिडरियल टाइम एट एल प्लस लॉन्गिट्यूड ऑफ एल, आवर एंगल ऑफ गैमा एट एल राइट एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ एल। तो इट मीन्स कि जो सिडरियल टाइम एट एल हो जाएगा और प्लस लॉन्गिट्यूड ऑफ एल। तो इस फार्मूले को यूज़ किया जा सकता है सिडरियल टाइम एट ग्रीनविच डिटरमिन करने के लिए। आप चाहें तो इसको फिर से देख सकते हैं, और यानी आवर एंगल ऑफ गैमा एट एल, आवर ये है एल पर आवर एंगल ऑफ गैमा, ये है अगर सिडरियल टाइम यानी आपको इस गैमा के रेफर, अभी तुमने एक्स के रेफरेंस से बात की है, अगर गैमा के रेफरेंस से बात करना है तो इसको हम कहते हैं आवर एंगल ऑफ गैमा एट एल। और इसी तरीके से लॉन्गिट्यूड ऑफ एल, इनको आपस में अगर ऐड कर दें तो आपको ग्रीनविच पर पता लग जाएगा। जी ये फर्दर ये कि पॉजिटिव साइन हम उस वक्त लेंगे जब वेस्ट है वेस्ट ऑफ ग्रीनविच होगा, और नेगेटिव साइन उस वक्त लेंगे जब ईस्ट ऑफ ग्रीनविच होगा। द सिडरियल टाइम एट एल ऑब्जर्वर मेरिडियन इज कॉल्ड लोकल सिडरियल टाइम, एवरी डे लाइफ कैन नॉट बी रेगुलेटेड थ्रू सिडरियल टाइम। सिडरियल टाइम के थ्रू हम नहीं कर सकते क्योंकि फिजिकल फिनोमेना हमारे पास कुछ ऐसा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किसी इलेप्टिक ऑर्बिट में घूमता है तो उसकी मोशन यूनिफॉर्म नहीं होती है, यानी इस पोजीशन यहाँ पर तो पोजीशन यूनिफॉर्म होती है लेकिन ये इस तरह फास्ट मूव करता है, फिर ये पोजीशन यूनिफॉर्म होती है फिर इस तरह फास्ट मूव करता है, तो इन दोनों प्लेसेस के ऊपर इसकी पोजीशन यूनिफॉर्म नहीं होती है, तो इसलिए टाइम जो है वो डिफरेंस आता रहता है टाइम में।